हेलो फ्रेंड्स, वेल हाय देयर। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कैनन RF 50mm f/1.2L USM लेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे हमारे पास है इंडियन वर्जन फ्रॉम कैनन। तो अनबॉक्स करते ही सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है, वो है एक वारंटी कार्ड जिस पे उसका सीरियल नंबर मेंशन होता है और 2 साल की वारंटी मेंशन होती है। देन कैनन इंटरचेंजेबल लेंस इंस्ट्रक्शन गाइड, और उसके बाद मिल जाता है हमें उसका कैरी केस जहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन है और नीचे से एकदम लेदर फिनिश जैसा दिया हुआ है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देन हमें मिल जाता है उसका एक लेंस हुड। लेंस हुड भी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इसका भी मॉडल नंबर मेंशन है और मेन चीज़ है यहाँ पे कि अंदर स्ट्रैप है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, काफ़ी रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, और लॉक भी दिया हुआ है। देन ये रहा लेंस इटसेल्फ। यहाँ पे लेंस कैप है जिस पे कैनन का लोगो है और टॉप की साइड पे लेंस का मॉडल नेम लिखा हुआ है और एल को हाईलाइट किया हुआ है, एल सीरीज लेंसेज है इसलिए। देन नीचे की साइड पे उसका डायमीटर लिखा हुआ होता है जिससे हम इतने डायमीटर का यूवी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं या एनडी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। यह है कंट्रोल रिंग एज अ डायल यूज़ करने के लिए बॉडी थ्रू ISO शटर स्पीड अपर्चर वैल्यू सेट करके। देन ये है मैनुअल फोकस रिंग, यहाँ से हम मैनुअल फोकस वेरी कर सकते हैं। ये है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के बीच में टॉगल करने के लिए स्विच। देन नीचे हमें दिया हुआ है फोकसिंग डिस्टेंस सिलेक्ट करने की स्विच, और ये रहा RF माउंट इंडिकेटर। अभी पीछे की साइड पे भी ये बैक कैप है जिसपे कैनन का लोगो है और ऑब्वियसली ये एल सीरीज का माउंट है तो मेटल माउंट ही होगा। और यहाँ पे 12 कम्युनिकेशन पिन है जो RF लेंसेज में बेसिकली होती है। अभी हम मेरे पास R5 कैमरा है तो इसमें कनेक्ट करके एक फ़ोटो क्लिक करेंगे इसका रिजल्ट देखने के लिए। यहाँ पे हम रैंडम सेटिंग करेंगे यानी ऑटो मोड पे ही फ़ोटो क्लिक करेंगे, कोई भी मैनुअल में सेटिंग्स नहीं सिलेक्ट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं कैमरे को कनेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया बस। ओके, ये रहा और ये कनेक्ट हो गया। अभी इसे ऑन करके ऑटो मोड, अभी मैनुअल पे है तो यहाँ पे मोड स्विच कर लेते हैं। ये रहा ऑटो मोड। अभी यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो मैं उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया है मैंने, और ये रहा पिक्चर्स जैसे कि आप देख सकते हो। ये ऑटो मोड पे बिना किसी सेटिंग्स के, और मैं आपके इनिशियल्स भी इसके दिखा देता हूँ, शटर स्पीड, अपर्चर वैल्यू और ISO वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।